सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम य से ह तक के सभी वर्ण की दोहराई करेंगे। ठीक है, सभी वर्णों की हम क्या करेंगे, दोहराई करेंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या किया था, य से ह तक के सभी वर्ण दोहराए थे। उसी तरह आज की कक्षा में भी हम क्या करेंगे, उन्हीं की दोहराई करेंगे। तो चलिए शुरू करें। ओपन पेज नंबर 20 ऑफ योर बुक, चाइल्ड सेंट्रिक हिंदी परफेक्शन टूल किट 2 ऑफ 2, जॉयफुल सी। अब आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। पहले आप क्या करेंगे, चित्र को देखिए। देखिए, यज्ञ, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल। सो देखिए, अंशिका प्लीज आप मुझे बताइए, आपको ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? हरी अब अंशिका, ओके, सपेरा का। ठीक है, तो स से सपेरा। अब तेगवीर बताएंगे हमें। तेगवीर बताइए, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र है? अरे वाह वाह, हल्का। ठीक है, करेक्ट है। तो ह से हल। बच्चों, आपने इस चित्र में पहले से ही रंग भरा हुआ है, तो आपको दोबारा इसमें रंग भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दिए गए जो व्यंजन हैं, कौन से, स और ह, उससे संबंधित दी गई दो कविताएं हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो देखो सर्कस आया, जोकर ने है खूब हंसाया। चलिए, रिधिका, शिवांगी, सवनीत, सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। देखो देखो सर्कस आया, इमर्जिंग वन, हरी अप। जोकर ने है खूब हंसाया, बीन लेकर सपेरा आया, बीन की धुन पर सांप नचाया, हरि आप। देखो देखो सर्कस आया, जोकर ने है खूब हंसाया, बीन लेकर सपेरा आया, बीन की धुन पर सांप नचाया। देखिए ये क्या है, सपेरा। अब माधव मुझे बताएंगे कि सांप का खेल दिखाने वाले को क्या कहते हैं? माधव, हरियाप कमान। अरे बाबा, सपेरा, गुड। सांप की धुन, सॉरी, सांप किसकी धुन पर नाचता है? अब कौन बताएगा? प्रभजस, आप बताइए। हाँ जी प्रभजस, बताइए, सांप किसकी धुन पर नाचता है, बीन या बांसुरी? हाँ जी, ओके, बीन।
करेक्ट। सांप का खेल दिखाने वाले उसे किस में बंद करके रखते हैं? कौन बताएगा? एनवी आप बता दीजिए, किस में करते बंद? पिचारी या थैला, क्या होता है उनके पास? पिचारी। ठीक है, गुड। अब हम नेक्स्ट अपनी जो है कविता करेंगे। पिक्चर देख, यहाँ पे जो है चित्र देखिए आप, किसका बना हुआ है चित्र? हल का। किसके पास होता है कि ये हल? यस अक्षत आप बताइए, हल किसके पास होता है? अच्छा, किसान के पास, करेक्ट। हल से काम करे किसान हथौड़े से बढ़ई, हल से काम करे किसान हथौड़े से बढ़ई, एक उगाता दाल और चावल, एक बनाता मेज और कुर्सी, एक उगाता दाल और चावल, एक बनाता मेज और कुर्सी, हल से काम करे किसान हथौड़े से बढ़ई, एक उगाता दाल और चावल, एक बनाता मेज और कुर्सी। तो अब मैं आप सबसे पूछ रही हूं, किसान क्या काम करता है? कौन देगा जल्दी से आंसर मुझे? आपको बाद में बताऊंगी मैं किसका आंसर पहले आया, करेक्ट। तो किसान क्या काम करता है? यस, खेतों में काम करता है। ओके, किससे? हल से। ठीक है, किसान कहाँ रहता है? किसान कहाँ रहता है? किसान गांव में रहता है। क्या आप कभी गांव गए हैं? मुझे बताना, ठीक है, और ये भी बताना साथ में गांव कैसा होता है, ठीक है। सो बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की क्लास। अब आप क्या करेंगे, आप य से लेकर ह तक सभी व्यंजन अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, और प्लीज ध्यान रखेंगे आप कि आप जो राइटिंग करेंगे वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। मैम आपको स्टार देके उसमें भेजेंगे नोटबुक, ठीक है, आपकी अच्छा अच्छा वर्क करना है। गुड बेबी, ओके, बाय बाय।